प्रदेश के वन मंत्री और सतना जिले के प्रभारी मंत्री विजय शाह ने राम वन गमन पथ पर सफाई देते हुए राम वन गमन पथ के नाम पर 500 किलोमीटर लंबा और 8 फीट चौड़ा कच्चा रास्ता बनाने का प्रोजेक्ट पर कमलनाथ सरकार पर आरोप लगाए और कहा कि हम इस प्रोजेक्ट को स्वीकार नहीं करते। वहीं इस मामले में मुख्यमंत्री से चर्चा हो चुकी है, अब राम वन गमन पथ का नया प्लान आएगा। यह बात प्रभारी मंत्री ने जिला योजना समिति की बैठक के बाद पत्रकारों से चर्चा के दौरान कही। वन अमले पर हो रहे हमलों के सवाल पर मंत्री ने कहा कि सीमित संसाधन के बावजूद भी जंगलों की सुरक्षा हो रही है। अवैध खनन और अतिक्रमण के लिए लोगों को समझाइश देकर समस्या का निदान निकाला जा रहा है। साथ ही उन्होंने कहा कि गोली चलाने से समस्या का समाधान नहीं होता, इसीलिए वन कर्मियों को बंदूक तो दे दी गई है लेकिन चलाने का अधिकार नहीं दिया गया है। वहीं प्रभारी मंत्री ने सतना में नई व्यवस्था शुरू की है, जिसके तहत कलेक्टर कार्यालय में एक नई शाखा स्थापित होगी। इस शाखा में मिलने आवेदनों की सतत मॉनिटरिंग होगी। हर सप्ताह कलेक्टर SP और जिला पंचायत CEO मंत्री को समस्या निदान की रिपोर्ट देंगे। सतना से सजल कुमार रजक की रिपोर्ट। कलेक्टर को निर्देश दे रहे हैं कि यहाँ पर प्रभारी मंत्री का एक काउंटर होगा, जहाँ कंप्यूटर लगेगा, जहाँ आदमी बैठेगा और सारे आवेदन वहाँ पे जाएंगे। 7 दिन की 7 दिन जैसे TL बैठक में कलेक्टर रिव्यू करता है, जो आवेदन हमको देखे गए प्रभारी मंत्री को, कलेक्टर हर सोमवार को TL बैठक में उनका रिवीजन करेगा और रिवीजन करने के बाद हुआ कि नहीं हुआ, हर सोमवार रात को कलेक्टर SP और जिला पंचायत CEO मुझसे बात करेंगे कि साहब ये हम नहीं कर सकते, हम आपको भेज रहे हैं। तो व्यवस्थित तरीके से हम पहला प्रयोग कर रहे हैं मध्य प्रदेश में। 25-30% वन भाग में हम लोग हैं और खुला है, कहीं कोई फेंसिंग वेंसिंग नहीं, क्योंकि संभव नहीं। सीमित संसाधनों के बावजूद हमने 300 लोग राइफलधारी गृह विभाग से लिए हैं, जिसकी तनख्वाह उनका हम लोग दे रहे हैं। आवश्यकता पड़ने पर हमारे विभाग के साथ मिलकर वो कार्रवाई कर रहे हैं, पकड़ रहे हैं। हमारे डिपार्टमेंट को भी हमने हजारों बंदूकें दिलवाई, लेकिन अभी चलाने का आदेश हम लोग नहीं दिला पाए, जब मैं 2008 में वन मंत्री था। और मेरा दूसरा ये मानना है कि जमीन कब्जा ये सिर्फ बंदूक के बल पर नहीं हो, इसका निराकरण सामाजिक सद्भाव, बातचीत, समझाइश, केवल बंदूक के बल पर हम अतिक्रमण न रोक पाएंगे। तो उसमें अवैध उत्खनन में ये भी तो है ना,